ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो जो चीजें चाहिए होंगी मैंने रख दी यहाँ पे, इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ। क्या? तुम्हारी शशि आ रही है ना, उसके सामने भी तुम वही। कौन शशि? फिजियोथेरेपिस्ट तुम्हारा सैयद। दोनों हाथ पकड़े बैठे रहोगे, स्माइल कर रहे होगे एक दूसरे को देखकर। मैं क्या ही कर लूंगी ना बैठे बैठे, तो कुछ कहूंगी तो कहेंगे कि कितनी जेलस बीवी है। एक्सक्यूज मी, जो तुम मुझे इतना पूरा पुराण सुना रही हो, हाउ आर यू श्योर? तुम्हें कैसे पता कि कोई शशि ही है? शशि जी भी तो हो सकती है एल्डरली लेडी जिनसे आपको जेलस। 110% श्योर। नील का मैसेज आया था, कोई यंग प्रॉमिसिंग थेरेपिस्ट है। क्या मतलब? मैं क्या 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 बोलना क्या चाह रहे हो? वो कि बस हाँ, तुम ज़्यादा। हेलो सर, मायसेल्फ शशि। शशि शशि। हाय हाय, प्लीज बैठिए। हेलो आरु, आना। आई एम सो सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। अरे तुझे बताने की जरूरत नहीं, तू कभी भी आ सकती है। एक्चुअली ना मुझे अभिमन्यु से काम था, बट इट्स ओके, आई कैन वेट। हाय शशि। ओ हाय आरोही, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ, कॉलेज टाइम से। एनीवे मैं चलती हूँ, अब मैं बाद में आ जाऊंगी जब ये फिजियोथेरेपी का काम हो जाएगा। रुक जाना, अभी पूछ रहे अभी को क्या पूछना है तुझे? इट्स ओके। एक्चुअली मैं आगे की पढ़ाई करने का सोच रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में ही डिस्कस करना था, स्पेशली कौन से कॉलेजेस मुझे टारगेट करने चाहिए उस बारे में। अरे मैं ये तो बताना भूल ही गई कि शशि बहुत अच्छा गाता है। शशि ये मेरी बहन है अक्षरा, ये भी एक सिंगर है। अरे वाह, तो क्या गाती हैं आप मैम? लाइक क्लासिकल, गजल या लाइट म्यूजिक? और आप? कुछ भी, एज इन ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं है, बस सुनने सुनाने का शौक है। वैसे आपका फेवरेट सिंगर कौन है? कुमार सानू जी। अरे वाह, वो तो मुझे भी काफी पसंद है। ना कितना अच्छा लगता है ना जब आप किसी ऐसे से मिल जाओ जिसके साथ आपके इंटरेस्ट मैच होते हो। काम काम ही नहीं लगता, सब कुछ बिल्कुल लाइट सा लगता है। मैं कॉफी लेकर आती। Thank you.
थैंक गॉड शशि तुमने अक्षु को बचा लिया, वरना बहुत चोट लग जाती है इसे। शी आर फाइन? हाँ, आई एम ऑल राइट। बूम। शशि थैंक यू मेरी अक्षु को बचाने के लिए। इट्स ओके, अगर वो गिर जाती तो उसे चोट आ जाती। एंड एक और बात के लिए थैंक यू, उसे म्यूजिक की बात करने के लिए थैंक यू, क्योंकि इस घर में तो डाइनिंग टेबल पे भी हर इंसान सिर्फ सर्जरी की बात करता है। इसको क्या हुआ आज? हमेशा तो इतने सीरियस टाइप मूड में रहता है, आज सब सड़ा हुआ होना चाहिए, तो इतना खुश कैसे है ये? ऑडिशन फिर से शुरू हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए। अक्षु तुम्हारे ऑडिशन का क्या हुआ? उस दिन वो बॉम्ब स्केयर की वजह से कैंसिल हो गया था ना, तुम्हारी बात भी कोई फोन वोन किया उन्होंने? दोबारा रिस्केड्यूल कर रहे हैं, कब हो रहा है? नहीं, वो ऑडिशन दोबारा नहीं हो रहे। हमें ना कहीं और ट्राई करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। देख लेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है।